श्रीलंका में ईस्टर के दिन 3 चर्च और 4 होटलों समेत 8 जगहों पर हुए धमाकों में अब तक 33 विदेशियों समेत 215 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 भारतीय भी शामिल, 500 से ज्यादा घायल, 13 लोग गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमा, 14 राज्यों की 117 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कल, 7वें चरण की 13 सीटों पर नामांकन आज से। 2 दिन के दौरे पर आज रायबरेली और अमेठी पहुंचेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी रायबरेली में 2 और राहुल गांधी अमेठी में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 7 सीटों पर नाम तय किए, इंदौर से शंकर लालवानी, अमृतसर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और चांदनी चौक से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को टिकट मिला। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने हरियाणा की 5 सीटों पर नाम तय किए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया, कहा शहीद हेमंत करकरे का अपमान नहीं किया। और आईपीएल सुपर संडे के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट और दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से हराया।